हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कैसे अदर स्टेट वाले एमपी में रोजगार पंजीयन करा सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको पूरी स्टेप बताऊंगा, आप देखते रहिएगा। गूगल पर सर्च कर लेते हैं तो आपको पहले नंबर पर साइट दिखेगी एमपी रोजगार, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कैसे अदर स्टेट वाले इसको बनवा सकते हैं। ठीक है, मेरा पोर्टल खुल चुका है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होगा मैं वो आपको बताऊंगा। जॉब सीकर न्यू टू दिस पोर्टल, इस पर आपको रजिस्टर नाउ, इस पर आपको क्लिक करना होगा। आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद जैसे ही ओपन हो, देखिए दोस्तों ये ओपन हो चुका है। ठीक है, जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन, इसमें आपको आपका पहला नाम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, जेंडर और आपके गार्जियन या फादर नेम आपको भरना होगा। उसके बाद आपको सिर्फ डिटेल भरनी होगी, जैसे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ठीक है, और गार्जियन नेम। अब बात आती है एड्रेस की। यहाँ पर आप जितनी भी जिला देखोगे वो मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, तो आपको इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं लेकिन आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, तो आपका जो भी एड्रेस हो, यानी अस्थायी एड्रेस या करंट एड्रेस आपका जो हो मध्य प्रदेश में, वो आपको फिल कर देना होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एमपी के हैं या एमपी के नहीं हैं। इसका प्रूफ मैं आपको थोड़ी सी देर बाद देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें और भी जो डिटेल है वो हम भर लेते हैं, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आधार कार्ड की कुछ डिटेल वो हम भर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फटाफट आधार नंबर यहाँ पर डाल लेंगे। ठीक है, जो आपका आधार नंबर हो वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, 12 अंक का आधार नंबर रहता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम यूजर नेम में दो ऑप्शन आते हैं, या तो अपना ईमेल एड्रेस है उसको यूजर नेम बना सकते हैं, या आपके आधार नंबर को यूजर नेम बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस को अपना यूजर नेम बना ले रहा हूँ। उसके बाद आपको पासवर्ड रखना होगा दोस्तों। पासवर्ड रखते टाइम ध्यान रखना है, इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं करना है, जैसे कि @ या हैज़ या इफ या फिर स्टार का। इसमें आप डा या फिर स्टार हैज इनका उपयोग नहीं करना है। ठीक है, आपको एक स्मॉल लेटर रखना है, और एक स्मॉल लेटर और कुछ नंबर आप रख सकते हैं। इसके बाद जो आपको कैप्चा दिखाई दे वो आपको फिल कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 जगह टिक करना होगा, YSMS, YEmail। यहाँ पर जॉब, जो भी जॉब अलर्ट रहेंगे वो आपको SMS के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से आपको भेज दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात एक बार चेक कर लेंगे हमारी पूरी डिटेल सही है या नहीं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है, हेलो सौरभ जैन, योर लॉगिन एंड पासवर्ड हैव बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। हमारे लॉगिन और पासवर्ड यहाँ पर आपके बन चुके हैं। इसके लिए हमको रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करने के लिए थोड़ी सी प्रोफाइल डिटेल और भरनी होगी। ठीक है, वो ज़रा सी है, वो आपको थोड़ा सा और भरना होगा। यहीं पर आपको बताऊंगा एमपी डोमिसाइल लगता है या नहीं लगता है, वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट हम ये फिल कर लेते हैं। इसमें हम पर्सनल डिटेल में हम बेसिक डिटेल डालेंगे, जैसे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है डोमिसाइल का, बात आती है डोमिसाइल की। यहाँ पर दो ऑप्शन है, मध्य प्रदेश और नॉन मध्य प्रदेश। यदि आप मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं तो आप पर एमपी पर क्लिक करना होगा, यदि आप नहीं हैं तो आपको नॉन एमपी पर क्लिक करना होगा। है कि आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं तब भी आप रोजगार पंजीयन करा सकते हैं। हमने जो एड्रेस पहले डाला था वो टेम्प्रेरी एड्रेस था। इसके बाद हम यहाँ पर परमानेंट एड्रेस जो आपका हो वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे।
ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट एड्रेस आपका फिर से यहाँ पर रिपीट कर देंगे, जो आपका करंट एड्रेस था वो आप यहाँ पे भर देंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार वो आप प्रेजेंट एड्रेस था वो आपको एक बार फिर डिटेल में भर देना होगा। ठीक है, उसके बाद एक बार आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है, वो कैटेगरी क्या है वो आपको भरना होगा। ठीक है, और आपका रिलीजन क्या है वो आपको भरना होगा। उसके बाद आपकी सब कास्ट, ठीक है, सब कास्ट में आपको जो भी आपकी कास्ट रहे वो आप भर सकते हैं। इसके बाद सारी फिल करने के बाद हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि सही जानकारी सही है या नहीं। ठीक है दोस्तों, पूरा चेक कर लेते हैं हम, फिर हम उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। पर क्लिक करते हैं तो यह जानकारी सेव हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अभी मेरे प्रोफाइल जो है 35% केवल कंप्लीट हुई है। इसमें मैं थोड़ा सा और डिटेल भर देता हूँ। जैसे ही आप 50% के करीब डिटेल भर देते हैं तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एजुकेशन मैं और थोड़ी डिटेल में डाल देता हूँ, कहाँ तक मैंने एजुकेशन ली है। ठीक है, वो मैं फटाफट भर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप एजुकेशन जो भी जानकारी है वो आप सबमिट करते हैं तो इस पर चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पे चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ मेरा प्रोफाइल जनरेट हो चुकी है, यहाँ पर 55% बता रहा है और मेरे पास अब खुल चुका है ऑप्शन प्रिंट रजिस्ट्रेशन कार्ड का। ठीक है, अब मैं उसको प्रिंट कर लूँगा या फिर PDF ग्रुप में सेव कर लूँगा। ठीक दोस्तों, इसमें आपको दोस्तों आप MP के हों या ना हो, आप रोजगार पंजीयन में आवेदन दे सकते हैं और वहाँ से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यह कंपलसरी हो चुका है मध्य प्रदेश में, कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम अप्लाई करते हैं यह आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लगना ही है। ठीक दोस्तों, दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद। और आपको और बारीकी से देखना है कैसे हमको फॉर्म फिल करना है तो मैंने एक वीडियो और पहले बनाई थी 1 महीने पहले, वो आप देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे, उसमें मैंने एक एक स्टेप आपको रुक रुक कर बताई है, तो आप उस पर देख सकते हैं। और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपकी समस्या का हल ज़रूर करूँगा।